वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल इस टाइप का है, ठीक है, एक्स इंटू साइन पाई एक्स। ये पाई एक्स इस तरीके से है कि साइन का एंगल है, ठीक है, ये नहीं है कि एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग, ठीक है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सबसे पहले लिमिट है माइनस वन से थ्री बाई टू। हमने कहा था मोड को अलग 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 कर सकते हैं, एक्स का मोड अलग, साइन पाई एक्स का मोड अलग, इस तरीके से, और साथ में डी एक्स। जैसे लास्ट एग्जांपल में या फिर न्यूमेरिकल में क्या था हमारे पास कि साइन एक्स इंटू कोस एक्स था, ठीक है, जिसकी लिमिट जीरो से पाई बाई टू थी, इस तरीके से इंटू डी एक्स। यहाँ पर ये जैसे जीरो से पाई बाई टू लिमिट सेम, मोड फंक्शन कर लिया अलग अलग, ठीक है, कोस एक्स अलग अलग कर लिया। यहाँ पर एक्चुअल में ये अलग अलग किया हमने, डायरेक्ट लिखा था जीरो से पाई बाई टू, ठीक है, कि साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर साइन एक्स इंटू कोस एक्स लिख दिया, मतलब इसको भी डिफाइन किया, एक्चुअल में इसको भी डिफाइन किया, दोनों फंक्शनों को डिफाइन किया, और इनका रिजल्ट दोनों का पॉजिटिव, वो एक अलग बात है इस इंटरवल पर। अब यहाँ पर अब सीधी सी बात, माइनस वन से थ्री बाई टू, ये तो यानी कि मोड हटा दें, ठीक है। तो सबसे पहले वही बात है, डिफाइन करने पड़ेंगे दोनों मोड फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो मोड ऑफ एक्स किस तरीके से डिफाइन होगा, यहाँ पर सबसे पहले तो मोड ऑफ एक्स, ठीक है। अब उसके लिए वही बात है कि पुट करेंगे सबसे पहले जो भी मोड के अंदर हो, सबसे पहले इसको जीरो पुट करेंगे, ठीक है, और साथ में दो मोड में वो एक अलग बात है, साइन ऑफ पाई एक्स जीरो के बराबर, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स है जीरो है जो पॉइंट है, ठीक है, और वो काम का है, ठीक है, यहाँ पर एक्स के लिए, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अब इसकी बात करें, ठीक है, जैसे अब यहाँ पर और इसमें दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी हमने इस तरीके से पुट किया था साइन एक्स को जीरो के बराबर, और हमने कहा था कि एक्स की वो कौन सी वैल्यू है जिस पर, एक्स की वो कौन सी वैल्यू, मतलब एक्स का वो कौन सा एंगल है जिस पर साइन की वैल्यू जीरो होती है, जीरो डिग्री एंगल होता है, इस तरीके से कहा था। लेकिन अब यहाँ पर पूरी कंप्लीट बात क्या है कि अब यहाँ पर इस तरीके से है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटरवल किस टाइप का था, एंगल पे था, इंटरवल कहाँ से था, जीरो से पाई बाई टू, इसलिए यहाँ पर ये बात कही थी हमने। लेकिन अब यहाँ पर इंटरवल किस टाइप का, माइनस वन से थ्री बाई टू, अब ये यहाँ पर तो ये बात होगी नहीं, ठीक है, कि हम यहाँ पर डायरेक्ट कह दें कि साइन की वो का वो कौन सा एंगल है जिस पर जीरो वैल्यू आती है, मतलब जीरो पर, मतलब एंगल पाई एक्स जीरो के बराबर, तो एक्स आया जीरो के बराबर, ये बात होगी यहाँ पर गलत, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब साइन का ग्राफ साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, साइन थीटा जैसे ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, जीरो से स्टार्ट होके इस तरीके से, जैसे यहाँ पर जीरो डिग्री, यहाँ पर पाई बाई टू, या फिर कहीं 90 डिग्री, साइन 91 होता है, ठीक है, यहाँ पर होगा यहाँ से जीरो से वन, ठीक है, यहाँ पर होगा पाई बाई टू, और यहाँ पर फिर 90 का इंटरवल, यहाँ पर पाई आती है, ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू चलती रहती है, साइन का जो ग्राफ है इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है, और यहाँ पर भी एज इट इज होगा, इस साइड भी इस तरीके से होगा, और नीचे वैल्यू होती है माइनस वन, और इसलिए हम कहते हैं साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में लाई करती है हमेशा ही, ये ग्राफ इस तरीके से, ग्राफ भी समझे थे हमने, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ होंगे माइनस वन और वन के बीच में साइन थीटा का ग्राफ लाई करता है, इस तरीके से, ठीक है। अब है बात, यहाँ पर तो इंटरवल कुछ और है, एंगल की बात थोड़ी ना, यहाँ पर तो नंबर की बात है, माइनस वन और थ्री बाई टू। अब हमने कहा कि वो कौन सी वैल्यू है जिस पर साइन जीरो होता है, जीरो डिग्री पर जरूर जीरो होता है जीरो, साथ में पाई पर भी तो जीरो होता है, मतलब 180 का डिफरेंस, पाई के बाद 2 पाई पर भी जीरो होगा, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर उल्टा होगा, माइनस पाई इस साइड तो नेगेटिव है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। लेकिन जब इस न्यूमेरिकल में इंटरवल की बात करें जीरो से पाई बाई टू, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ यहाँ तक, जीरो से लेकर पाई बाई टू, यहाँ पर तो केवल एक वैल्यू है, केवल एक वैल्यू है जिस पर साइन जीरो होता है, और इसलिए हमने ये बात कही थी कि एक्स जीरो आ गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ी ना ये बात, यहाँ पर तो कुछ इंटरवल और ही टाइप का, नंबर का है, और जिस पर एंगल की कोई बात नहीं है, यहाँ पर बस ये डिफरेंस है, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए कि अब यहाँ पर हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। अब जो हमने कहा कि जीरो पाई एक्स जीरो के बराबर है, जरूर पाई एक्स जीरो के बराबर होगा,
ठीक है, साथ में जीरो जीरो थोड़ी ना होगा, जीरो के बाद पाई भी होगा, इस तरीके से 2 पाई भी होगा, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें माइनस पाई होगा, इस तरीके से चलता रहेगा। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। अब हमने कहा था कि मोड फंक्शन को डिफाइन करना है, अब इस लिमिट में डिफाइन करेंगे किस तरीके से। अब सबसे पहले तो मोड ऑफ एक्स, ठीक है, मोड ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, 0 पॉइंट काम का है, मोड एक्स के लिए काम का है, ठीक है, मोड ऑफ एक्स में ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, दो बातें होंगी, एक तो -1 से 0 के बीच में इस तरीके से एक्स लाई करें, ठीक है, या फिर 0 से 3/2 के बीच में इस तरीके से, ठीक है। अब -1 से 0 कोई भी एक पॉइंट लेट कर लें, जैसे -1 से 0 के बीच में पॉइंट है -0.5 है बीच में, इसका करना मोड, मोड में माइनस साइन खत्म हो जाता है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आया -x इस तरीके से, ठीक है। और एक बार प्लस एक्स आएगा जब दो इंटरवल हो, सीधी सी बात है, ये तो ही सिर्फ एक्स की बात, लेकिन अब बात करनी है साइन पाई एक्स, ठीक है, इस तरीके से, और इस सारे का मोड, ठीक है। अब जैसे साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, जैसे 0 भी है, 0.5 भी है, इस तरीके सारी वैल्यू होंगी, लेकिन हमने साथ में कहा था कि जो मोड के जितने काम के पॉइंट आए वो हमेशा इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर आएंगे, ठीक है, कौन से, जो पॉइंट काम के हैं इस तरीके से, वो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, बस इसकी हेल्प से सोल्व करेंगे, ठीक है, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। इंटीजर वैल्यू का मतलब -1 से 1 के बीच में साइन थीटा लाई करता है। अब इसको डिफाइन करना, हमने इसको डिफाइन करना है। अब यहाँ पर तीन बातें होंगी, कौन कौन सी होंगी तीन बातें, सबसे पहले ये तीन बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, एक तो एक्स, ठीक है, -1 और 1 के बीच में लाई करे, -1 से 0 के बीच में लाई करे, -1 से 0 के बीच में लाई करे, ठीक है। इसके बाद अब सीधी सी बात है, -1 और 1 के बीच में जैसे रियल नंबर लाइन है, ठीक है, यहां पर है 0 -1 -2 इस तरीके से, और राइट हैंड साइड में 1 और 2 इस तरीके से, ठीक है, ये तो ही बात है रियल नंबर लाइन की, जिस पर सिर्फ इंटीजर वैल्यू, जिस पर सिर्फ इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो -1 और 1 के बीच में तो सिर्फ 0 ही इंटीजर वैल्यू है, इसलिए ये 0 क्यों लिखा हमने, ये बात यहाँ से आई इस तरीके से, ठीक है, -1 से 0 के बीच में। अब दूसरा इंटरवल क्या होगा यहाँ पर, कि 0 से 1 के बीच में हो एक्स, 0 से 1, एक तो यहाँ से हो इसके बीच में हो, एक 0 से 1 के बीच में भी हो सकता है, 1 भी तो एक इंटीजर वैल्यू है, 1 भी तो एक इंटीजर वैल्यू है, तो 0 से 1 के बीच में भी हो सकती है इस मोड की, दो बातें, ये तो ही डेफिनेशन के हिसाब से दो बातें, ठीक है। अब तीसरी, हमें तो इंटरवल -1 से 3/2 लिखना है, -1 तो आ चुका है, ये पॉइंट -1 तो आ चुका है, ठीक है, अब इसी तरीके से 3/2। अब तीसरा इंटरवल क्या बचेगा, अब इसके लिए जैसे ग्राफ से समझे, कहने का मतलब क्या है ग्राफ से, कि जैसे पॉइंट है, हमने इंटरवल है जैसे -1 से 3/2, -1 है जैसे यहाँ पर ये पॉइंट, और हमारी कर्व है यहाँ से लेकर, और ये 3/2 का मतलब 1.5 इस तरीके से, इस सारे का एरिया निकालना है इस तरीके से, -1 से लेकर 1.5 तक। अब इसके बीच में दो इंटीजर वैल्यू है, एक है 0 और एक है 1, ये दो पॉइंट, मतलब यहाँ पर एक ये इंटरवल बनेगा -1 से 0 का बना, दूसरा 0 से 1 का है, 0 से 1 का, और तीसरा, अब ये थोड़ी ना कि 1.5 तो इंटीजर वैल्यू है नहीं तो इसको छोड़ दें, इसको छोड़ने का मतलब सिर्फ यहाँ तक एरिया निकालना हमने, सिर्फ ये रीजन, डेफिनेट इंटीग्रल एरिया के बारे में बताता है, लेकिन ये रीजन कहाँ गया, तो इसका भी तो निकालना पड़ेगा हमें तो, ठीक है। तो तीसरा इंटरवल क्यों बना, इसकी डेफिनेशन की वजह से बना, कहाँ से, 1 से लेकर 1.5, या फिर कहीं 1 से लेकर एक्स की वैल्यू 3/2, 1.5 का मतलब भी तो यही है 3/2, ये तीन बातें कहाँ से आई, दो तो आई डेफिनेशन में से, हाँ इसी तरीके से, जैसे ये इंटरवल था -1 था -1, अब यहाँ पर -1 से जैसे -1.5 होता तो फिर चार बातें हो जाती यहाँ पर, ठीक है, जैसे तीन इंटरवल बने अगर -1.5 होता, -1.5 का मतलब क्या है, जैसे ये एरिया और जैसे ये एरिया और यहाँ पर होगा वो -1.5, तो ये एरिया अलग से निकालना पड़ेगा चौथे के लिए, ठीक है। तो एक और इंटरवल बनता कहाँ से, -1 से लेकर -1.5
पॉइंट फाइव या फिर -3/2, इस तरीके से ये इंटरवल बनाने हमने, ठीक है। अब यहाँ पर अब इनकी वैल्यू चेक करनी है इस इंटरवल के बीच में। सबसे पहले साइन पाई एक्स, सारे का मोड, एक्स की वैल्यू -1 से और 0 के बीच में। अब इसके लिए वही बात है, हमें ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू लेट कर ले, ठीक है। क्या वैल्यू लेट की? 0.5, ठीक है। अब साइन ऑफ 0.5, इसका मोड, सीधी सी बात है, इसका मोड तो कैसा आएगा कि जैसे -1 से 0 के बीच में होती है -0.5, ठीक है, प्लस का 0.5 नहीं, माइनस का 0.5, और इस सारे का करना हमने मोड। या फिर कहें जैसे साइन, अब फिर से वही बात है, बार बार वही बेसिक बातें यूज होंगी, साइन -θ -sin² आ जाता है, ठीक है। इसका प्रूफ भी चेक किया था हमने, ये सारी बातें पढ़ी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अब -sin² आ जाता है, या फिर कहें -0.5, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, जिस इसका रिजल्ट तो आएगा 0.5, लेकिन एक माइनस हमने दी, इसलिए डिफाइन तब करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक माइनस का साइन आ जाएगा पहले इंटरवल में। ये कहाँ से है ये पता होना चाहिए, साइन पाई एक्स से लिखें, ये एक्चुअल में इस तरीके का है, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में कंफ्यूजन ना हो, इस तरीके से, ठीक है। अब अगली बात, 0.7, 0.7 में क्या होगा इस इंटरवल में, जैसे पॉइंट मान लिया 0.5, पॉइंट मान लिया 0.5, ठीक है, और 0.5 का मोड 0.5 है, प्लस है तो प्लस, मतलब यहाँ पर माइनस की कोई बात नहीं है, तो साइन ऑफ पाई एक्स इस तरीके से है। और इसी तरीके से लास्ट में 1 से 3/2, ठीक है। अब फिर से वही बात है, हमने वैल्यू लेट की, ठीक है, लेकिन अब समझे तो इस चीज को, साइन क्या है ये, पाई एक्स, या फिर कहीं साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा मतलब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। अब ये बातें वही बार बार यूज है, साइन थीटा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, जिसका वैल्यू जैसे एक्स, एक्स क्या होता है यहाँ पर, नंबर आता है, और एक्स यहाँ पर जो थीटा वो है एंगल, जो हमने ये एक्स का है, ये एक एंगल होगा, वैल्यू नहीं होगी, ये डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। ये तो ही पॉइंट के बस हिसाब से बात, लेकिन यहाँ पर पाई एक्स ये क्या है, एंगल, तो एंगल के हिसाब से बात करनी है हमने। एंगल के हिसाब का मतलब क्या हुआ, अभी इस बात का मतलब क्या है, हमें चाहिए साइन से मतलब, ठीक है, साइन से, जैसे साइन के लिए क्या होता है हमारे पास, जैसे ये चार क्वाड्रेंट है, पहला सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से चार क्वाड्रेंट है। अब किस तरीके से होंगी वैल्यू, जैसे हमारे पास 0 से -1 के लिए इस तरीके से इंटरवल है, ठीक है। जैसे अगर साइन के लिए पढ़े, साइन थीटा के लिए ये क्वाड्रेंट पढ़े, किस टाइप का होगा, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर आता है π/2, sin 90, π/2 का मतलब 90, और sin 90 वैल्यू होती है 1, होती है 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर साइन पाई, ठीक है, जैसे साइन पाई, साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री फिर से 0 होता है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद sin 3π/2, sin 3π/2 का मतलब क्या है यहाँ पर, कि साइन ऑफ 270 डिग्री, ठीक है, sin 270 होता है -1, ठीक है, sin 270 का मतलब, 270 को क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 90, एक ही बात है, ठीक है, 180 की वजह से साइन साइन में रहा, sin 90, प्लस की वजह से साइन 180 प्लस, 180 जैसे यहाँ पर है ये 180 प्लस, यहाँ पर है 180 प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, कि कहाँ से, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की हेल्प से, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ पर नेगेटिव, इसीलिए माइनस का साइन, और sin 90 होता है 1, तो -1 इसीलिए। अब ये इंटरवल है 0, 0, 1 और -1, इस तरीके से साइन की बात है, मतलब जब एंगल की बात करें हम यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें करनी है एंगल के हिसाब से बात, ठीक है। अब माइनस का हमने 0 से -1 के बीच में, मतलब ये इंटरवल 0 से -1 का मतलब ये लास्ट वाला इंटरवल है, लास्ट वाला इंटरवल 0 से -1 के बीच में, तो यही बात हुई लास्ट वाला इंटरवल। और लास्ट इंटरवल में क्या हमारे पास, यहाँ पर स्कूल टू कॉलेज, और सी का मतलब होता है कोस, और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, ठीक है, दो पॉजिटिव होते हैं बाकी नेगेटिव, तो इसलिए माइनस है, ठीक है। एंगल के हिसाब से बात होगी यहाँ पर, ना कि पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कि अगर पॉइंट के हिसाब से कहें तो साइन का यहाँ पर सिंपल साइन पाई एक्स आएगा, अगर पॉइंट के हिसाब से कहें, क्यों, क्योंकि 1 से, और इसका मतलब 1.5, बीच की वैल्यू ले ली 1.25, उसका मोड तो प्लस का ही है, ठीक है, इसके हिसाब से तो आएगा प्लस, लेकिन अब एंगल के हिसाब से क्या आएगा, साइन ऑफ पाई एक्स। अब 0 से 1, 0 से 1 का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले दो बातें हैं, एक तो ये है 0 से 1, है 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 है, एक ये है,
और ऊपर पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होती हैं, इसलिए पॉजिटिव। और हमने कहा था, जैसे हमने ये पहला कहा 0 से -1, दो बातें थी यहाँ पर, यहाँ पर भी दो केस हैं, तीसरा क्वाड्रेंट चौथा क्वाड्रेंट, दोनों में साइन नेगेटिव है, नेगेटिव। इस तरीके से ऊपर वाले में 0 से 1 के लिए दोनों के लिए पॉजिटिव है पॉजिटिव, इस तरीके से। अब 1 से लेकर 3/2, इस तरीके से, ठीक है। अब इसी तरीके से 1 से 3/2, अब साइन की वैल्यू तो हमें ये बात पता है कि -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, 1.5 का तो कोई रोल नहीं, तो यहाँ पर प्लस आएगा इस तरीके से, ठीक है। या फिर पॉइंट से भी हेल्प की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से भी, ठीक है, क्योंकि हमें इस वैल्यू का पता नहीं होता 3/2 कहाँ पर है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये तो इसकी बात है, लेकिन अब साथ में इंटरवल है -1 से 3/2, हमें तो इसको सोल्व करने का मतलब है एक्स इंटू साइन पाई एक्स, इसके दो केस, इसके तीन केस। अब कॉमन बात हमें देखनी है कौन कौन सी है कॉमन बात। अब है सबसे पहले हमें इंटरवल कहाँ से निकालना, -1 से 1.5 के लिए, मतलब ये वाला -1 से ये वाला, यहाँ तक एरिया चाहिए हमें, ठीक है, इसका तो यही मतलब है। अब सीधी सी बात है, ये है -x, जब 0 से -1 के बीच में हो, 0 से -1 के बीच में साइन वाला भी नेगेटिव है, तो 0 से -1 एक्स इंटू साइन पाई एक्स क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा। अब अगली बात, ये है 0 से डायरेक्ट 1.5 या फिर 3/2, और ये बीच में 0 से 1 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको इंटरवल हम क्या बना सकते हैं, एक्स जो हमें तो इससे मतलब है, तो किसके बराबर होगा, एक बार तो क्या करें, सेम फंक्शन है एक्स इंटू साइन पाई एक्स प्लस का, कब, -1 से 0, ये कहता है 0 से 1 भी पॉजिटिव है, और ये भी यही बात कहता है 0 से 3/2 का मतलब 0 से 1 भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी दो बातें हैं। जैसे हम इसको एक्स कोमा, जैसे यहाँ से 0 और 1 के बीच में इस तरीके से लिखें, एक ही बात है, और ये 1 से 3/2 लिखें तो भी एक ही बात है। अब तीनों बातों में कॉमन, कॉमन का मतलब मल्टीप्लाई, हमें तो मल्टीप्लाई है यहाँ पर बीच में, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, -1 से 0 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन कैंसिल, मतलब प्लस का आएगा एक्स इंटू साइन पाई एक्स, ठीक है। दूसरे में भी प्लस का आएगा, आएगा दूसरे में प्लस का, लेकिन यहाँ पर चेक करेंगे तो ये माइनस का होता है, ठीक है। 1 से 3/2 में चेक करेंगे माइनस का आएगा, ठीक है। तीसरे इंटरवल में यही बात माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो दो, सिर्फ दो इंटरवल बना ले तो भी काम चल जाएगा। कौन कौन से दो इंटरवल, एक तो ये बना ले, ठीक है, मतलब -1 से डायरेक्ट 1, -1 से डायरेक्ट 1, इस तरीके से, ठीक है। और एक लास्ट बनाएंगे, दूसरा इंटरवल होगा 1 से 3/2 का, जैसे यहाँ पर है, उसमें आएगा माइनस का साइन, इस तरीके से, ठीक है। सिर्फ इसके दो इंटरवल बनाने, तीन भी बना सकते हैं, वही बात है, -1 से 0 बनाए, 0 से 1, यहाँ पर जैसे एक्स की बात कही हमने, यहाँ पर ये बात भी होगी कि 0 से बड़ा हो कि प्लस का एक्स आएगा, ये इस टाइप से भी तो हो सकता है, ठीक है, एक ही बात है। अगर तीनों केस वेरीफाई करने हो तो, मतलब दो ही बना सकते हैं हम यहाँ से केस, पहले लाइए कब, जब -1 से डायरेक्ट 1 पॉजिटिव आएगा, फिर प्लस का साइन, दूसरे के लिए 1 से 3/2 माइनस का आएगा, बस बार इस तरीके से एक्स इंटू साइन पाई एक्स। और आगे आगे सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, यू इंटू वी से, ठीक है, यू इंटू वी का मतलब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, और इसकी ट्रिक क्या थी, आई लेट, ठीक है, इस तरीके से यू को कौन सा फंक्शन, कौन से फंक्शन को यू चूज करें, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल का लोगरिथम, वही बातें बार बार, एक्स इंटू साइन, साइन क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री, और एक्स, एक्स होता है अलजेब्रा, ठीक है। तो इसको मानेंगे यू, दूसरे को वी, दोनों केसों में इस तरीके से दो केस बनेंगे, या फिर तीन भी बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।